रुकमणी गले में चपटी रोल लगी चली ससुराल दुल्हन बनके जा रही ससुराल दुल्हन बनके चली तब तक रुकम आ गया ए लड़की कहां जा रही भैया पूजा करने के लिए अकेली नहीं जाए संग की सहेलियां और ले ले माताओं जो संग की सहेलियां ने कही तो रुकमणी के देह में आग लग गई जे नकटी हो जाए काउस नहीं बोली मंदिर में पहुंची और भगवान कन्हैया ने पीछे से रथ हटाओ और दरवाजे पर खड़ो कर लो रुकमणी ने आरती करी मां से आशीर्वाद लियो और जो बाहर आई जो कन्हैया ने रुकमणी के संग में बिटिया देखी भगवान सोचन लगे बारे ब्राह्मण मैंने एक की कही थी मैंने संगे चार और पठे थे अब जब जय नहीं मालूम कौन सी रुकमणी है लेकिन माता रुकमणी बहुत चालाक है रुकमणी जब सोच रही है सोना हो ना मेरी बल्ली कोई सहेली दरी चली जाए जोन से हाथ में कंगन बांधे अती बुई हाथ उठाए के बोली दीदी जसेना की निकी सुसपाल की दीदी जसेना की निकी तेरे भैया की और जो भगवान ने हाथ में कंगन देखो सोई कन्हैया समझिए जे ही है लेकिन ब्राह्मण कन्हैया मन में एक बात और सोचन लगे का अब कौन कौन को ले जावी सब
कथा प्रसंग से लाता सुखदेव भगवान बोले, मैया रुक्मणी कन्हैया के पास पहुंची माता। कन्हैया नहीं बोले लला, रुक्मणी बोली, प्रभु तुम कहाँ रहते हो? और जो रुक्मणी ने जब पूछी तुम कहाँ रहते हो, तो भगवान बोले हर जगह। और जो भगवान ने हर जगह की कही तो बिटियां हंसन लगी, जिज्जी ये तो पागल है, हर जगह की कहा। और जो बिटियां हंसी तो रुक्मणी को गुस्सा आई, नकटियो बात तुमसे नहीं हो, बात मोस हो रही। बिटियां चुपचाप खड़ी हुई। रुक्मणी बोली श्याम सुंदर से, प्रभु तुम हर जगह रहते हो? भगवान बोले हाँ। कमरम के आया, भगवान बोले बंसी। मैया रुक्मणी बोली तो बंसी बजाई, तो भगवान बोले हाँ हमने बजाई बसुरिया, चारों ओर ठाड़े दुश्मन सब टूट रहे बसुरिया, हम नहीं बजाई। मैया रुक्मणी बोली तो दिखाई, तो भगवान बोले दिखाई नहीं। रुक्मणी बोली कहे, भगवान बोले मेरी बसुरिया बहुत कीमती है, तुम दियो नहीं। रुक्मणी बोली सो कितनी कीमती है? तो भगवान बोले सुनो कितनी कीमती बसुरिया है। कितनी कीमती बसुरिया है, बसुरिया है। मैया रुक्मणी बोली तो दिखाए दो, हम तुम्हारी वापस कर दी। अब देखो माता और सखियां वहीं खड़ी, रुक्मणी और श्याम की बातें हो रही। भगवान ने हाथ बढ़ायो बंसी देने के लिए, मैया ने हाथ बढ़ायो बंसी पकड़ने के लिए। भगवान ने बंसी दिलाई कमर में घुस लई, रुक्मणी को हाथ पकड़ो रथ में धरो, आकाश में रथ उड़ा दिया। कुंदनपुर के बाहर मैदान में पहुंचे, भगवान ने जमीन पे खड़ो कर लो। रुक्मणी बोली ले चलो भैया आ जाए। भगवान बोले परेशान ना हो, हम तेरे भाइयों को देख लिए। अब भगवान रुक्मणी को लेके तो कुंदनपुर के मैदान में खड़े, सखियां पहुंची मैया के पास।